बिहार में नई विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव में एनडीए की जीत और नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू में बयानबाजी तेज रही है। सत्र के पहले दिन सभी नए विधायकों ने शपथ ली। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से मुलाकात की। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर ही नए विधायकों को शपथ दिलाता है। सत्र के पहले दिन AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ लेते वक्त आपत्ति जाहिर की। उन्होंने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इनकार किया और उसकी जगह भारत का इस्तेमाल किया। दरअसल AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। अख्तरुल ईमान को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। AIMIM के विधायक ने कहा कि हिंदी भाषा में भारत के संविधान की शपथ ली जाती है, मैथिली में भी हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उर्दू में जो शपथ लेने के लिए पत्र मुहैया कराया गया है उसमें भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विधायक ने कहा कि वो भारत के संविधान की शपथ लेना चाहते हैं, ना कि हिंदुस्तान के संविधान की। आपको बता दें कि इस बार AIMIM के 5 विधायक चुनाव जीत चुके हैं और पहली बार विधानसभा में उन्होंने एंट्री ली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।